तो आप देख सकते हैं मेरा जो पासपोर्ट है वो शो कर रहा है। तो आप भी इसी ट्रिक से हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने एक दोस्त के घर एक दिन घूमने गया था, तो घूमने के बाद मैंने देखा उसके घर में एक वाईफाई है, तो मैंने सोचा तो वाईफाई ले लेता हूं, उसके साथ फ्री में नेट मिल जाएगा। तो मैंने जो फ़ोन दिया, फ़ोन लेकर वो जो पासपोर्ट है वो लिख दिया, तो लिख करने बाद कनेक्ट कर दिया। तो मेरे को जानना था जो वाईफाई या पासपोर्ट वो क्या है, ठीक है? तो आप भी जान सकते हो ये ट्रिक यूज़ करके, ठीक है? तो मुझे ये ट्रिक पता था, तो मैं इस ट्रिक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये ट्रिक यूज़ करो, तो आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है, मतलब सब वाईफाई का पासवर्ड आपको पता चल जाएगा। तो आप चैनल फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजी बॉन्गटेक, ऐसी टिप्स और फोटोग्राफी एडिटिंग और टेक रिलेटेड वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मेरे मोबाइल पर दोस्तों, मैं आएगा मेरे मोबाइल का स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको जो कनेक्शन वाली आइकन है उसमें आपको क्लिक करके आपको वाईफाई में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है? तो वाईफाई में क्लिक करने का जो कनेक्ट वाईफाई में उसको क्लिक करके कुछ देर रखना होगा, ठीक है? तो मैं फिलहाल रख रहा हूँ कुछ देर के लिए होगा। तो सबसे पहले इंटरफेस ओपन हो गया, तो आप जो लिखा है क्यू आर कोड वाले आइकन भी जाके आपको क्यू आर कोड शो करेगा, ठीक है? तो क्यू आर कोड दबा दीजिए। जो मेरा सैमसंग का मोबाइल है, तो फिलहाल इसमें इस तरह शो होता है, ठीक है? तो शो होने का इसका जो स्क्रीन शॉट लेना होगा, ठीक है? तो आप सेव भी कर सकती है, जो मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। उसके बाद इसको आपको क्रॉप करना होगा, ठीक है? इमेज में जाके इसको आप सिंपली क्रॉप कर लीजिए। तो मैं दिखा दे रहा हूँ क्रॉप करने के बाद। क्रॉप हो गया, तो क्रॉप करने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाके आप क्यू आर कोड स्कैनर या फिर बारकोड रिकॉर्डर या फिर क्यू आर कोड स्कैनर जो भी है, मतलब जो भी क्यू आर कोड स्कैनर है वो लिख दीजिए। तो मेरे पास मैं जो ऐप दे रहा हूँ वो लिख आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो उस क्यू आर कोड जो है मेरा डाउनलोड है, तो आप इसे सिंपली मेरा इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप ये सिंपली ओपन कर लीजिए। तो ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो ऊपर वाले में रेड डॉट मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, जो इमेज वाला आइकन है उसमें क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपका जो गैलरी है, गैलरी ओपन हो जाए। तो गैलरी में जाके आपका जो इमेज था वो इमेज आपको सिंपली डाल देना होगा। तो डालने के बाद तो आप देख सकते हैं मेरा जो पासपोर्ट है वो शो कर रहा है। तो आप भी इसी ट्रिक से कोई वाईफाई का पासपोर्ट है वो दिख सकते हैं, वो भी आपके कनेक्शन से, ठीक है? तो ये ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय टेक।